हाय पिला माने मुदे पापड़ मान को स्वागत करू छी सीएजसी 68 चैनल ले। पिला माने आज हमें प्लस 2 सेकंड ईयर सोशियोलॉजी समाजशास्त्र रो पिला माने गोटे यूनिट सॉरी गोटे सेट प्रैक्टिस करिबा सेट 2 रहइबो एटा पिला माने सेट 2 ऑलरेडी आगर हमें सेट 1 करि सारी छे सेट 1 करि दे छे आउ ता सेत्र बहुत बढ़िया से बुझा है छे क्वेश्चन माने किपरि तमे ताकू माने परीक्षा रे किमिति करिवो किपरि तमे अटेंड करिवो तो तमे से वीडियोटा जाई के देखो। आउ आज हमें करिबा सेट 2 करिबा आज करिबा सेट 2 आज मध्य हमें से बढ़िया बढ़िया से करिबा बुझी करिबा प्रति क्वेश्चन को बुझी करिबा तो आम परीक्षा पाई इजी हेबो। तो पिला माने देखो फर्स्ट क्वेश्चन कौन अच्छी देखो फर्स्ट क्वेश्चन अच्छी इंस्ट्रक्शन ये रहिबो प्रदत्त चारोटी विकल्प मध्य सठिक उत्तरटी चयन कर समस्त प्रश्नर उत्तर दि रहिबो। आउ प्रथम एक नंबर रे रहिबो 25 टी क्वेश्चन को 1 मार्क लेखा रहिबो 25 मार्क रहिबो। अच्छा फर्स्ट क्वेश्चन देखिबा निम्नलिखित भाषा गुड़िक मध्य केउटी इंडो आर्य भाषा परिवार रो अंतर्भुक्त इंडो माने इंडिया इंडिया रो इंडिया और आर्य भाषा आर्यन कह जाए ताकू इंग्लिश रे आर्यन इंडिया आउ आर्यन भाषा रो आर्य भाषा माने कहि पारिबो आर्य माने प्रथमे से तमरो जो साउथ काश्मीर रे दक्षिण काश्मीर रे से माने रहिबा आरंभ करले दक्षिण काश्मीर तो माने से इंडो आउ आर्य ए माने जो रहिबा आरंभ करि जंती तो से माने को भाषा कहते आउ इंडिया रे भाषा कौन थिला तो मिसी के सेटा हेछि इंडो आर्य भाषा पिला माने बुझि हला कौन इंडो आर्य भाषा परिवार अंतर्भुक्त कौन से इंडो आर्य भाषा परिवार अंतर्भुक्त कौन इंग्राजी लेपचा तेलुगु ना हिंदी राइट आंसर टी पिला माने तुम्हारो राइट आंसर टी हला 1 रो डी जो अछि हिंदी एटा ही तुम्हारो माने तुम्हारो इंडो आर्य भाषा श्रेणीभुक्त अटे बुझि हला। तापर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा नेक्स्ट क्वेश्चन कौन अच्छे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन अच्छे देखो हाँ प्रोटेस्टाट एवं कैथोलिक क्यों धर्मर दुई संप्रदाय अटंती प्रोटेस्टाट एवं कैथोलिक क्यों संप्रदायर क्यों धर्मर अर्थ से पचार हिंदू धर्म इस्लाम धर्म बौद्ध धर्म ख्रीट धर्म यहाँ पे राइट आंसर टी तुम ये ख्रीट धर्म बुझीगला ख्रीट धर्म यहाँ है तुम राइट आंसर। तापर नेक्स्ट देखिबा सहर कौन प्रत्येक लोक जानती मात्र केही सहर देखो क्वेश्चन कौन अच्छी सहर कौन प्रत्येक लोक जानती मात्र केही सहर संतोषजनक संज्ञा दे पारिबे नहीं यह किए कही माने से कहते जे सहर विषय कहर कौन बोली समस्त जानती सहर संतोष संज्ञा जे संज्ञा गोटे पचार कौन से सहर संतोषजनक भल लगुवा भाया संज्ञाटा कौन कहीं देपारे ना बोली यहाँ एक्चुअली किए कही से जड़े कही से किए कही से तले ऑप्शन दी आम राइट आंसर देखा देसाई बर्जेस माकाइवर कि चार्ल्स मेटाकाप यहाँ राइट आंसर टी है पे तुम बी बर्जेस कही सहर कौन प्रत्येक लोक जानती मात्र कहीं सहर संतोषजनक संज्ञा दे पारे ना बुझीला यहाँ है तुम क्वेश्चन। तापर नेक्स्ट देखा कौन नेक्स्ट कौन अच्छे देख नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत शूद्र जातिर सदस्य मान हरिजन बोली किए संबोधन करुले संबोधन किए करुले महात्मा गांधी जवाहरलाल नेहरू बी आर आम्बेदकर राममोहन राम मनोहर लोहिया राइट आंसर टी कौन पिला माने राइट आंसर टी है तुम डी ए महात्मा गांधी कहते एकत्र बसवास कर दुई बा तीन पुरुष लोक मान एक बृहत समूह को कौन कहुए कौन कहला एकत्र बसवास माने एकाठी बसवास करुवे दुई बा तीन पुरुष लोक मान एक बृहत समूह माने दुई तीन जन रही मिसिकी गोटे बृहत समूह गठन करने को कौन कहुए एकक परिवार समूह समुदाय ना जौथ परिवार एटा राइट आंसर टी है पे तुम हाँ जो अच्छे जौथ परिवार कहुए बुझेगा सामाजिक श्रेणी हूँ एक समुदाय जेकोसी अंश जहाँकि सामाजिक परिस्थिति द्वारा अन्य अंश ठार चिन्हित होता है ये जन संज्ञा देखते श्रेणीर संज्ञाटी किए प्रदान कर संज्ञाटा उपरोक्त संज्ञाटा किए कह महात्मा गांधी
अगस्ट कमटी माकिभर ओ पेज ना सी एच कुली राइट आंसर टी है पे तुम सी महाकिभर ओ पेज यहाँ कहते सिंहा संप्रदाय सदस्य मैंने क्यों धर्म संप्रदायर अटंती बुझीगला पे कौन कही सिंहा संप्रदाय सदस्य मैंने क्यों धर्म संप्रदायर अटंती यहाँ पे जी है इस्लाम धर्म बुझीगला कलम के देखा जाए थे? सरी इलम इलम के देखा जाए थे ओडिशा पंजाब केरल ना आंध्र प्रदेश यहाँ पे तुम राइट आंसर टी है सी केरल इलम केरल देखा जाए तापर नेक्स्ट क्वेश्चन को जी नेक्स्ट क्वेश्चन कौन अच्छे देखा नेक्स्ट क्वेश्चन देख क्यों व्यक्ति इंडियन सोशल सिस्टम पुस्तक इंडियन सोशल सिस्टम पुस्तक रचना गोटे पुस्तक रचना करी टीएन मदन राम आहुजा जोगेश अटल ना एम एन श्रीनिवास यहाँ किए रचना कर पाने रचना कर राम आहुजा दक्षिण भारतर कुर्क मानकर धर्म और समाज नामक पुस्तक रचयिता किए अटंती कौन पचारा क्वेश्चन दक्षिण भारतर कुर्क मानकर धर्म आउ समाज कुर्क मानकर धर्म और समाज नामक पुस्तक गोटे मान रचना करे किए मोरिस जिन जिन्सबर्ग अगस्ट कमटे एम श्रीनिवास ना माकिभर किए राइट आंसर टी कहीपर राइट आंसर टी है पे तुम एम श्रीनिवासन सेटा से पुस्तक रचयिता तापर निम्नलिखित मध्य किए रिस्लिंग को वर्गीकरण को एक भाषागत विभाजन बोली कही समालोचना करी किए पिला माने रिस्लिंग को से वर्गीकरण जो करी से वर्गीकरण को भाषागत विभाजन बोली जने समालोचना करी से समालोचना जो करी तांको नाटा एठी पचारी नाटा कौन नाटा हला पिला माने डीएन मजुमदार मन रखा मजुमदार ए टाइटल मन रखिले भी हम मजुमदार से ही माने समालोचना करी आम कहीपर तापर नेक्स्ट है एल जाति जाति मधेरी होता विवाह को क्यों विवाह कह जाए यहाँ स्वगोत्र स्वजाति बही ना अनुलोमा यहाँ राइट आंसर टी है पे तुम स्वजाति खाली जाति जाति भितर विवाह को स्वजाति कह जाए नेक्स्ट है तुम जगतीकरण प्रक्रिया सारा विश्व को एक कौन भाव में विचार कै जगतीकरण विषय पचार जगतीकरण है कौन कहीपर पे जगतीकरण है तुम यहाँ ग्लोबल सरी ग्लोबल विलेज जोड़ा अच्छी ग्लोबल ग्लोबलाइजेशन कहीपर ग्लोबलाइजेशन इंग्लीश कहते जगतीकरण जगतीकरण प्रक्रिया को प्रक्रिया सारा विश्व को एक कौन माने कौन बोली समस्त पृथ्वी जो विश्व को एक कौन बोली देश बोली हे बजार बोली हे क्षेत्र ना राष्ट्र समस्त विश्व को गोटे बजार बोली भाव बुझे जगतीकरण जगतीकरण एक क्यों प्रक्रिया अटे जगतीकरण सरल जटिल कठिन ना कौन सी नुह यह पाला मैंने एंड बी जटिल प्रक्रिया मैंने जगतीकरण गोटे कम्प्लिकेटेड मानने प्रोसेस कहीपर इंग्लीश कम्प्लिकेटेड प्रोसेस कह जाए ओडिया कह जटिल प्रक्रिया निम्नलिखित कारक गुड़िक मध्य क्योंटी सहरीकरण प्रमुख कारण अटे जगतीकरण प्रमुख कारण कौन उद्योगीकरण स्थानांतरण जनसंख्या ना आधुनिक शिक्षा राइट आंसर टी है पे तुम यहाँ है उद्योगीकरण बुझेगा उद्योगीकरण ही तुम जगत सहरीकरण सरी ये निम्नलिखित कारक गुड़ क्यों सहरीकरण गोटे कारक पचार फैक्टर्स इंग्लीश या कहुए फैक्टर्स फैक्टर्स माने ओडिया कहुए कारक कारक माने कौन पाई कारक जे सहरीकरण गोटे कारण कौन प्रमुख कारण जोटा कि सहरीकरण को बेसी मात्रा रे प्रभावित करा उद्योगीकरण या इंग्लीश कौन कहुए उद्योगीकरण को कहीपर पाने उद्योगीकरण को सेटा इनिशिएटिव मध्य भी कहा जाए इनिशिएटिव एंटरप्रेन्योर यार एक्चुअल मीनिंग टा है कौन एंटरप्रेन्योर पे एंटरप्रेन्योर एंटरप्रेन्योर माने उद्योगी कहा जाए तो एंटरप्रेन्योरशिप कहवा आम उद्योगीकरण को एंटरप्रेन्योरशिप इंग्लीश में कहा जाए या मन रख ये बहुत बढ़िया गोटे शब्द गोटे एंटरप्रेन्योरशिप उद्योगीकरण यह सहरीकरण प्रमुख कारण अटे नेक्स्ट है कौन देख आंभे मैंने समस्ते रक्तर बंधन बंधन बंधा के ही आम को पृथक करें ना आंभ मानक कौन अभेद्य प्राचीर सृष्टि हो पार ना ये उक्ति किए कहते उक्ति कही सरदार वल्लभ भाई पटेल ना जवाहरलाल नेहरू ना सुभाष चंद्र बोस ना महात्मा गांधी यहाँ कही पे तुम
कहते सरदार वल्लभ भाई पटेल कहते मन रख यहाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन अच्छे देख, इंडिया शब्दी क्यों शब्द रू आसी, इंडिया शब्द जो इंडिया शब्दी कौ शब्द रू आसी, भारत इंडस सिंधु ना गंगा, इंडिया शब्दी पे तुम आसी इंडस रू। सर्वप्रथमें भारत में मनुष्यर आविर्भाव केबे होइतिला, माने मनुष्यर आविर्भाव केबे होइतिला पिला माने कहि परिबो, एटा हला तुम 500 ख्रीष्टपूर्व ना 2000 वर्ष पूर्वे, 500 वर्ष पूर्वे 2000 वर्ष पूर्वे 1000 10000 वर्ष, एटा तो 500 पूर्व केहि केबे भी होव नाही, 2000 मध्ये होव नाही, 10000 मध्ये होव नाही, एटा 500000 वर्ष आगरु एटा हेइतिला पिला माने मन रख, 500000 वर्ष आगरु 50 मिलियन इयर्स एगो मन रख, 50 मिलियन एगो बा 500000 वर्ष पूर्वे मनुष्यर आविर्भाव होता पृथ्वी, 500000 पे मन रख। भारत चतुर्पार्श्वे प्राकृतिक प्राचीर यार क्यों एकता को दर्शाई था, भारत चतुर्पार्श्व जो गोटे प्राचीर अच्छे से प्राचीर क्यों एकता को दर्शाई, भौगोलिक राजनैतिक ऐतिहासिक ना पुराण, यहाँ है पाने तुम कहीपर यह भौगोलिक एकता किए कहते वंशगत शारीरिक पार्थक्य द्वारा चिन्हित होता गुड़े लोकंर एक बृहत समूह को प्रजाति कहुए, किए कहते यहाँ कहींपर ये कहते विशांच और विशांच, विशांच एंड विशांच ये कहते जन का मतरे केतेकांशे पार्थक्य बहुगुड़े स्वतंत्र वंशगत गुण को नहीं गठित एक बृहत जैविक मानविक समूह को प्रजाति कहुए, प्रजाति डेफिनेसन अच्छी ये किए कहते डेफिनेसन ए डब्ल्यू ग्रीन ए एल क्रोवर विशांच एंड विशांच एवं लास्ट है क्योंटी नुहे राइट आंसर टी कौन कहींपर पाने तुम ए डब्ल्यू ग्रीन क्यों नृतत्वविद मतरे एक प्रजाति विधिवत भाव एक जैविक सांप्रत्यर अटे, कौन कहला एक प्रजातिर विधिवत भाव एक जैविक संप्रदाय अटे, यह हूँ एक समूह जहाँकि वंशगत सतान जन्म आनुवंशिक प्रवृत्ति उपजाति द्वारा संप्रक्त, यहाँ किए कहते यार डेफिनेसन टा पचार ए डब्ल्यू ग्रीन ए एल क्रोवर विशेन्स एंड विशेन्स आउ कौन नुहे क्योंटी नुहे, तो रईट आंसर टी है पे तुम ए एल क्रोवर कहते यहाँ। सार हर्बर्ट रिसले भारतीय प्रजातीय वर्गीकरण को से ये किए सार हर्बर्ट रिसले से गोटे भारतीय प्रजाति उपरे माने रिसर्च करके वर्गीकरण को केते भाग रे विभक्त करिसेंती, सेटा कौन 5 भाग 6 भाग 7 भाग 8 भाग को केते भाग रे विभक्त करिसेंती, से कहिसेंती 6 भाग रे विभक्त करिसेंती। उड़वार्थर छोट एकक को कौन कहते टाभाजी इलम कार्नाभान कि एकक परिवार, एटा हला तुम्हारा पिला माने राइट आंसर टी टाभाजी माने कहते बुझीगला। तापरे तरवाड़ मुख्य परिचालक को कौन कहुए तरवाड़ मुख्य परिचालक को कौन कहुए इलम टाभाजी जौथ परिवार की कर्णाभान, यहाँ है पाने तुम डी कर्णाभान कहुए। तापरे 25टा क्वेश्चन सरला, पुणी नेक्स्ट 25टी करवा निम्नलिखित लक्षण मध्य क्योंटी जौथ परिवार लक्षण अटे, जौथ परिवार उपर से लक्षण पचार, जौथ परिवार मैंने जॉइंट फैमिली, जॉइंट फैमिली लक्षण कौन कौन क्षुद्र आकार व्यक्ति स्वाधीनता अलग रंधनशाला कि साधारण सम्पत्ति क्षुद्र आकार, जौथ परिवार तीन रु चार पुरुष लोक एकत्र बास करती जहाँ सदस्य मैंने परस्पर सह संपत्ति आय एवं पारस्परिक अधिकार कर्तव्य आदि दृष्टि संपर्क होती किए कही डेफिनेसन डेफिनेसन किए कहते मैंने जौथ परिवार कहुटा जौथ परिवार विषय कहुई ये कथा किए कहते डेफिनेसन पी एन प्रभु माकिभर आईपी देसाई ना के एम कापाड़िया किए कहते पाने आईपी देसाई कहते मन रख। तापर हिंदू जौथ परिवार मौलिक नीति हूँ सपिंट बंधन जहाँ को सपिंट बंधन जहाँ को छाड़ी जौथ परिवार गठन करवा संभव हो न था, ये संज्ञाटा किए कही संज्ञाटा कौन सपिंट बंधन विषय कहते किए सपिंट बंधन विषय कहते पाने तुम सीबी मेमोरिया से कहते सपिंट बंद मन रख। भारत में क्यों स्थान में जनजाति आंदोलन संगठित होता, जनजाति आंदोलन रामपुर रानीपुर मधुपुर ना ये समस्त पाने तुम डी नंबर आंसर है ए रामपुर होता। तापर नेक्स्ट आंसर टी कौन नेक्स्ट क्वेश्चन टी है तुम परिवार स्वामी स्त्री और संतान संतति मानक नहीं गठित वैदिक एकक ए गोटे वैदिक ए संज्ञाटा किए कहते पाने परिवार रे कौन स्वामी स्त्री आउ संतान समस्त को नहीं गठित एक वैदिक परिवार ये माकिभर कुले उलियट मेरियल ओ मेरियल ना स्पेन्सर ये किए कहते पाने तुम उलियट और मेरियल। परिवार शब्दी क्यों शब्द रू आसी परिवार शब्दी पाने परिवार शब्दी देख
ग्रीक शब्द फैमिली, रोमान शब्द फैमुलस, फरासी शब्द फामुलस ना लाटिन शब्द कौटू आसी पे एप आंसर है पे तुम बी रोमान यहाँ गोटे रोमान शब्द जो शब्द है फैमुलस पे फमुलस रु आमिली रोमान शब्द गोटे यौथ परिवार केते पुरुष गभीरता देखाई देखा जाए यौथ परिवार केते पुरुष गभीरता देखा जाए देख राइट आंसर टी है पे तुम ए तीन टू चार तापरे आंचलिकता बात कहली निज अंचल प्रति भल पाइबा अन्य अंचल प्रति भल पाइबा जातीय स्वार्थ कि अंतर्जातीय स्वार्थ इरा पिला माने तुम राइट आंसर टी है निज अंचल प्रति भल पाइबा भूमिपुत्र कहार तत्व अटे भूमिपुत्र भाषावाद आंचलिकतावाद जातिवाद ना सांप्रदायिकता भूमिपुत्र पिला माने तुम एटा आंचलिकतावाद बुझीगला निम्नोक्त मध्य आंचलिकतार कारण केउटी आंचलिकतार कारण भौगोलिक कारण ऐतिहासिक कारण राजनैतिक कारण कि ये समस्त पिलाने तुम राइट आंसर टी है ए समस्त ऑप्शन टा प्रायतः समान माने हेबार चांसेस थाए तो तुम गुरुत्व दब निम्नोक्त मध्य आंचलिकतावादर क्यों कारण क्योंटी आंचलिकतावादर कारण पचारिछि आंचलिकतावादर कारण सामाजिक कारण ऐतिहासिक कारण भौगोलिक कारण कि राजनैतिक कारण राइट आंसर टी है पिलाने तुम सामाजिक कारण निम्नोक्त मध्य आंचलिकतावादर दूरीकरण क्योंटी दूरीकरण लगे कौन कही देख दूरीकरण लगे जातीय इतिहास प्रसार सामाजिकरण राजनैतिक कारण कि ये समस्त तुम राइट आंसर टी है पे राजनैतिक राजनैतिक इतिहास प्रसार तापर एम नंबर एम पानी प्रस्तुत खाद्य को कौन कहते पानी प्रस्तुत खाद्य कचा खाद्य पक्का खाद्य ना साधारण खाद्य ना मिश्रित खाद्य पानी जोटा कर पाने से कह तुम कचा खाद्य गोटे जातिर वयस्क ओ मुरबी श्रेणी व्यक्ति को नहीं गठित अनुष्ठान को कौन कहते जातिया मुखिया जाति मुखिया जाति परिषद जाति प्रथा जाति धर्म यहाँ है पे तुम राइट आंसर टी जाति परिषद क्यों धर्म रे जाति व्यवस्था अत्यंत कठोर अटे बौद्ध हिंदू इस्लाम ना ख्रीष्ट क्यों धर्म रे जाति व्यवस्था अत्यंत कठोर अटे ये हिंदू धर्म तापर नेक्स्ट कौन अच्छे देख नेक्स्ट आंसर टी है पे तुम नेक्स्ट क्वेश्चन कौन देखा आम भारत सरकार क्यों आईन अनुसूचित जाति शब्द व्यवहृत होता आईन क्यों अनुसूचित मान सरकार क्यों आईन रे पिला क्यों आईन रे अनुसूचित जाति कथा तो मेरा राइट 1935 निम्नोक्त मध्य क्यों भारतीय जाति मानक अर्थनैतिक समस्या अटे अर्थनैतिक समस्या पड़ुचाष बाल्य बहुत नैतिकतार अधपतन वर्धित बन्या गण तो राइट आंसर टी है पे तुम पड़ुचाष निम्नोक्त मध्य क्यों भारतीय जनजाति मानकर सामाजिक समस्या अटे सामाजिक समस्या कौन जनजाति जनजाति मानकर दारिद्र्य बेकारी जमी सत्व हस्तांतर ना मानसिक अस्थिरता राइट आंसर पे दारिद्र्य निम्नोक्त मध्य जनजातिर विकास निया पदक्षेप क्यों अर्थनैतिक विकास सामाजिक विकास राजनैतिक विकास ना आवेगिक विकास यहाँ है राइट आंसर टी है पे अर्थनैतिक विकास तापर नेक्स्ट होगा निम्नोक्त मध्य जनजातिर समस्या क्यों समस्या पचार जनजातिर समस्या शिक्षागत समस्या राजनैतिक समस्या अर्थनैतिक समस्या सांस्कृतिक समस्या राइट आंसर टी है पे अर्थ शिक्षागत समस्या 1956 मसीहा शिल्पनीति अनुसूची कर केतोटी शिल्प रखाला मैंने 1956 जो शिल्पनीति अनुसूचित अनुसूची है करे केतोटी शिल्प रखाला 17 22 20 ना डी 12 केतोटी पिला माने कहि परिबो यहाँ है 17 कहा मतरे क्रमवर्धित समाज निजकु द्रुत परिवर्तन सहित खाप खुआवा सहित ज्ञान विज्ञान क्षेत्र में एक वैप्लविक चिंता आनी पारिपार्श्विक व्यवस्था को विज्ञान और विप्लव रूपांतरित करें यहाँ किए कही क्रमवर्धित समाज निजक द्रुत परिवर्तन सहित खाप खुआवा सहित ज्ञान विज्ञान क्षेत्र में एक वैप्लविक चिंता आनी पारिपार्श्विक व्यवस्था को विज्ञान और विप्लव विज्ञान आ विप्लव रूपांतरित कथा किए कही पे कथा कहते तुम बी पी ब्लाक तापर नेक्स्ट क्वेश्चन कौन अच्छे नेक्स्ट क्वेश्चन देख कहा मतर एक मनस्तात्विक भावधारा अटे और मनुष्यर मूल्यवत भावधारा और आशार परिवर्तन आनी थाए आधुनिक मानवर व्यक्तित्व परिवर्तनशील एवं तार अनुगत्य परिचय व्यापक रूपे किए कही कहा मतरे इटिंगटन सी ब्लाक सी वेज जूनियर ना सामुएल पी एटा कहते पाने तुम इटिंगटन कही मन रख तापर नेक्स्ट क्वेश्चन कौन अच्छे देख नेक्स्ट क्वेश्चन
1956 मसीह शिल्प नीति अनुसूची ख रे केतोटी शिल्प रखाला तो आगे पढ़ी क एवं पढ़ी ख एक्स एक्स रतरटी बैशटी कोड़े बारटी रईट आंसर है बारटी तापर नेक्स्ट क्वेश्चन कौन अच्छी 1956 मसीहा शिल्प नीति केतोटी शिल्प को सरकारी क्षेत्र पर संरक्षित रखा जाता सरकारी क्षेत्र पर 15 16 17 18 केतोटी सरकारी शिल्प रखा जाता यहाँ है 18 पे तो यह हिसाब से आम कले आज 50 क्वेश्चन सारीदे नेक्स्ट सेट थर्ड पुणी आम आउट भल भल क्वेश्चन आने आउ बढ़िया क्वेश्चन मुझे संग्रह करके आनी जो कि तुम्हारे निहाती भल रहा आज ये थैंक यू एवरीवन।